जी हाँ, रवि शास्त्री जो कि टीम इंडिया के कोच हैं और कोच होने के साथ साथ टीम के बड़े सलाहकार भी हैं, तो काफी ज्यादा ही विश्व कप को लेकर बात करते हुए खुश होते नजर आए। चलिए हम आपको बता दें कि कोच रवि शास्त्री ने खुशी तो मनाई थी टीम इंडिया के रवाना होने से पहले, इंग्लैंड रवानगी से पहले, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया था उन लोगों पर जिन्हें टीम इंडिया पर पहले ही भरोसा नहीं। सोशल मीडिया पर कई बार ट्रॉल किए गए विराट कोहली और साथ में रोहित शर्मा, कप्तान और उपकप्तान से लेकर बीसीसीआई को ट्रॉल किया गया जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। चयनकर्ताओं के सिलेक्शन वाले डिसीजन से काफी लोग नाराज रहे, जिसमें नाम तमाम ऐसे खिलाड़ियों का जुड़ा जिसे लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी। यशवेंद्र चहल से लेकर केएल राहुल, विजय शंकर से लेकर केदार जाधव, मोहम्मद शमी से लेकर जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन से लेकर एमएस धोनी, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, टीम के सबसे योद्धा खिलाड़ियों में चार नाम तो आप जानते हैं, रोहित, धोनी, शिखर और विराट का नाम सामने आया। लेकिन केएल राहुल पर काफी ज्यादा लोगों को उम्मीदें थी कि वो और भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। खैर, ये उम्मीदों को कैसे बरकरार रखेंगे के लिए तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल युवराज सिंह के संन्यास की बात हो रही है तो आपको बता दें, कोच रवि शास्त्री ने युवराज सिंह के संन्यास को लेकर तमाम बड़े बड़े ऐलानों के बीच, युवराज सिंह की तरफ से संन्यास को लेकर बात करने के बीच, क्रिकेट के सफर को इस साल के साथ खत्म करने की बात कहने के बीच इस तरह से गुस्सा निकाला रवि शास्त्री ने, जिसे फैंस काफी ज्यादा रोए तो जरूर होंगे, हम बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा साल 2011 के वर्ल्ड कप को लेकर, वो वर्ल्ड कप जिसमें युवराज का बड़ा योगदान था, लेकिन इस बार साल 2019 में वो युवराज सिंह नहीं है, तो इसके पीछे कारण यह है कि इस बार टीम में परफॉर्मेंस के मायने पर बदलाव किया गया है। जी हाँ, दूसरे नंबर पर जल्द टीम इंडिया आ जाएगी अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस टीम इंडिया का बेहतर होगा, ये बातें हो रही है। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में तीसरे नंबर पर बेहतर खिलाड़ियों के बीच बेहतर टीम का नाम भारत का ही आता है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में कॉन्फिडेंस पूरा है रवि शास्त्री को विराट और उनकी पूरी टीम पर है, जो पूरी तरह से फॉर्म में है, यही कहना है रवि शास्त्री का। ओवरऑल अगर माने उनकी तो उन्होंने यही कहा, साल 2011 वाला रिकॉर्ड एक बार फिर से भारत के नाम होगा, यानी कि युवराज सिंह की कमी नहीं होगी, टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है वर्ल्ड कप के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से तृप्ति की रिपोर्ट।